अरे भाई साहब हद है ये, 5 रुपए की 2 रुपए की स्प्रिंग आती है, इसके चक्कर भाई साहब ने क्या करा, पैन की अरे गियर है वो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अब आखिरी बचता है ये सेलेक्टर, शाफ्ट जो पूरी सीज पड़ी है देख लो। अब यहाँ पे इसको हम ठीक कराएंगे, तो ये बुश तो हम चेंज करेंगे, देखो पिछले वाले मैकेनिक क्या काम करा हुआ देख लो। तो दोस्तों इंजन फिट करने से पहले हमेशा चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आपकी जो गियर बॉक्स है वो प्रॉपर ठीक बैठा है नहीं बैठा, उसका कोई हो सकता है सेलेक्टर डैमेज ना हो, जैसे मेरे साथ इस पिछली बात करते हम इसको इंजन को बांधने जा रहे थे। उससे पहले मैं कुछ आपको सिखाऊंगा गियर बॉक्स के बारे में, गियर बॉक्स कैसे काम करता है, गियर बॉक्स को कैसे बांधना है और गियर बॉक्स फिट कैसे करते हैं, और फिटिंग इंजन फिट करते समय आपको गियर बॉक्स में क्या क्या ध्यान दे रहा हो, तो सारी चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हो सारे जो इंजन के पार्ट्स हैं ये सामने रखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, तो बात करता हूँ मैं कुछ इसके नए पार्ट के बारे में। जैसे कि ये देखो ये नया चैम्बर दोनों रखे हुए, करंट असम्बली वो सिलेंडर कट वो हेड असम्बली। अगर आपको सिर्फ पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए कितने का पार्ट आता है कितने का नहीं, उसकी मैंने एक अलग से पार्ट बना रखा, जाके दे सकते हो उसमें पूरी प्रॉपर MRP के साथ बताया और जो उसका पार्ट नंबर उसके साथ पूरी बताया रखा है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं इस गियर बॉक्स के बारे में। तो जैसे हम गियर बॉक्स को चेक करते हैं, क्योंकि जब भी आप गियर बॉक्स को फिट करते हो पहले एक बार चेक करना बहुत जरूरी है आपको, गियर बॉक्स के अंदर कोई गरारी तो नहीं टूटी हुई, या कोई सिलेक्टर तो ख़राब नहीं है, या हो सकता है इसके बुश वगैरह जाम हो, तो ये सारी चीज़ आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गियर बॉक्स को निकाल के एक बारी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की, ये वाली जो होती है जिसमें अपनी क्लच प्लेट वो होती है अपनी इनपुट शाफ्ट, और बात करें दूसरी जिसमें लगता है चैन का स्पॉकेट वो होती है आउटपुट शाफ्ट। ये आपको सबको मालूम होगा। एक छोटी सी और पहचान बताता हूँ कि इनपुट शाफ्ट कौन सी है और आउटपुट शाफ्ट कौन सी है। जिसमें बड़े गियर होते हैं वो होती है अपने आउटपुट शाफ्ट, और जिसमें छोटे गियर होते हैं वो होती है अपने इनपुट शाफ्ट। तो ये आपको मैंने बेसिक जो चीज़ें वो बता दी। अब बात करते हैं इसकी गियर बॉक्स के बारे में, गियर कैसे काम करता है, गियर काम कैसे करता है, उसके लिए हमें पहले गियर बॉक्स को बाहर निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। मैं चाहता तो ये पूरा गियर बॉक्स फिट करके डायरेक्टली आपको बाइक में दिखाता, लेकिन मुझे इसमें एक दिक्कत नज़र आई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, कि अगर आपके पास ऐसे कोई बाइक में गियर में दिक्कत आती है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मुझे जो दिक्कत नज़र आई है वो है आउटपुट शाफ्ट के अंदर, और ये बाइक आपको मालूम बंद होकर आई थी, और जो जिसके इंजन के पार्ट आपको पता है कितने डैमेज थे, बहुत से पार्ट तो टूटे हुए निकले थे। तो चलिए मैं पहले इसको दिखाता हूँ कि आखिर इसमें दिक्कत कहाँ आई है। तो देखिए जैसे ही मैंने आउटपुट शाफ्ट को खोला, तो सबसे पहले जब हम गियर निकालते हैं ये वाला, तो यहाँ पे लगा होता है इसके अंदर बुश, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बुश है इसका ये सीज मार रखा है देख लो, जो कि इन्होंने हमें नहीं बताया कि इनकी गियर जो काम नहीं कर रहे, इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने बोला खाली बाइक जो स्टार्ट नहीं हुई थी, और जब हमने खोला तो इनके बाकी में जो इंजन है उसमें दिक्कत थी। तो अगर ये बताया तो गियर हार्ड या कुछ भी पड़ रहा तो हमें एक बार चेक कर लेते। ये देखिए जो ये बुश है बहुत ज़्यादा सीज मारा हुआ है, और बात करें इसकी गियर की तो गियर भी अंदर से देखो सीज मारा हुआ, देखो आपको नज़र आएगा मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए जो गियर है वो भी सीज मारा हुआ, और सीज मारने के कारण देखो हीट कितना हो चुका है, देखो रेड हो रहा है, इसका कलर यहाँ से ब्राउन हो गया, क्योंकि ये ज़बरदस्ती हीट मारा हुआ। कब मारता है हीट, जब आपका इंजन ऑयल नहीं चढ़ता। तो इंजन ऑयल किससे चढ़ता है गियर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इसे बोलते हैं हम वासुरी, एक तरह से जेड है ये, जो है ना जेड से गियरों को ऑयल सप्लाई होता है। अगर ये जेड टूट जाए या ख़राब हो जाए या जेड बंद हो जाए तो ये जो है गियरों को ऑयल सप्लाई नहीं करेगा, और इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जो जेड थे इनके अंदर जो जो क्रैंक है जो पिस्टन है जो चैम्बर टूटे हुए थे उसका बुरादा फंस गया, उसकी वजह से सिर्फ 2 जेड ब्लॉक थे, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से जो अपना गियर बॉक्स है ये सीज हो गया। और बात करता हूँ मैं एक और सेलेक्टर की इसके बारे में, देखो इन्होंने नहीं बताया ये तो क्या हाल है सेलेक्टर का, देख लो सेलेक्टर टूटा हुआ, वैसे हमने वेल्डिंग करा दिया, अब बताओ ये वेल्डिंग चल पाएगा, मुझे नहीं लगता वेल्डिंग चलेगा, क्योंकि इनसे प्रॉपर गियर काम नहीं करेंगे भाई, जो जो सेलेक्टर का जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है ज़्यादा हो जाती है ये वेल्डिंग कराने से, कभी फेस ऊपर नीचे हो जाता है ना, और काफ़ी हो रहा है देखो ना कितना ऊपर है फेस काफ़ी है, तो ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं कर रहा। तो हम ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे जो पिछले वाले मैकेनिक भाई ने करी थी, हम इसको चेंज करेंगे सेलेक्टर को, और ये जो गरारी है इसको भी चेंज करेंगे गियर को, और ये जो इसका बूस है इसको भी चेंज करेंगे। अगर मैं इसको नहीं देखता और ऐसे फिट कर देता कि कोई दिक्कत नहीं गियर बॉक्स में, तो क्योंकि गियर की कोई कंप्लेंट ही नहीं करी मुझे, तो मैं चाहता ऐसे फिट कर देता, लेकिन नहीं, मेरा काम है पूरे गियर को प्रॉपर चेक करना, कोई गरारी तो जो दाता है जो नक्का टूटा तो नहीं है, किसी बूस में कोई दिक्कत नहीं है या कोई सेलेक्टर में कोई परेशानी तो नहीं है। सबसे पहले मैं मेन चीज़ चेक करता हूँ ये इसका कोई जेड ब्लॉक तो नहीं है, अगर जेड ब्लॉक होगा तो आपको बता दिया मैंने कितनी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे हम
इस बूस को चेंज करते हैं और गियर को चेंज कर लेते हैं। और इसका जो बूस है बहुत ही ज़्यादा जाम है। देखो मैंने तोता प्लास से भी यूज़ कर लिया और नॉर्मल प्लास से भी कोशिश कर ली इसको निकालने की, ये बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो हमें इसको लेके खराद पे जाना पड़ेगा और इसे कटवाते हैं, इससे निकलवाते हैं और फिर नया बूस में फिट कर लेते हैं। देखो आगे हम खराद की दुकान पे और यहाँ पे जो बूस है वो उस तरीके से निकलेगा। ये यहाँ पे एक प्रेस मशीन है और इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये निकले। तो धीरे धीरे प्रेस मशीन से दबाया जा रहा है। और ये देखो ये धीरे धीरे नीचे आ गया, यहाँ पे पटक गया गियर बॉक्स और बुश जो निकल गया। तो यहाँ पे जो बुश निकल गया ये देखो, ये देखो बुश पूरा निकल गया। और ये देखो साफ्ट जो पूरी सीज पड़ी है देख लो। अब यहाँ पे इसको हम ठीक कराएंगे। तो ये बुश तो हम चेंज करेंगे नया वाला, पहले इसको यहाँ पर ठीक करा लें। अगर हम लगा देंगे नया बुश तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। ये देखो अंदर से देखो। और यहाँ पे ये रहो नया बुश हम लेके आए थे, क्योंकि ये ख़राब से निकल रहा था, इसको लगवाएंगे। और मुझे पक्का यकीन था कि वो शार्फ जो है वो कहीं ना कहीं अंदर से सीज मारी हुई है। तो यहाँ पे इसको ठीक करेंगे हम, ये लेके इस तरीके से करेंगे। तो फाइनली गाइज हम अपनी वर्कशॉप पे आ चुके हैं। आपने जैसे कि देखा था पहले मैंने कोशिश बहुत करी थी उस बुश को निकालने की, मुझसे नहीं निकला था। तो मुझे फाइनली खराद वाले के पास जाना पड़ा। कुछ काम जो होते हैं वो खराद वाले के पास ही जाने के बाद होते हैं। जैसे कि आपने देखा बुश को किस, तो देख लो यहाँ पे जो बुश है वो ये रहा नया वाला और ये इसमें प्रॉपर फिट आ रहा है। अब बस हमारा ये गियर पहला गियर है तो हम इसको चेंज करेंगे। और ये देखो ये रहा हमारा इसका पहला गियर, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते पहला गियर वो फिट हो चुका है, जो बुश जो है वो लग चुका है और ये अब आराम से घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे गियर है वो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अब आखिरी बचता है ये सेलेक्टर, तो इस सेलेक्टर को भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं जैसे गियर को सेट कर रहा था, आपने देखा गियर बॉक्स की गराड़ी तो मैंने नहीं डाल दी, बुश नया डाल दिया, लेकिन इसकी जो गियर बॉक्स की जो स्प्रिंग होती है देख रहे हो, एक तो सही है और एक देखो पिछले वाले मैकेनिक क्या काम करा हुआ देख रहे हो। अरे भाई साहब हद है, ये 5 रुपये की 2 रुपये की स्प्रिंग आती है, इसके चक्कर भाई साहब ने क्या करा, पैन की जो पैन में नहीं होती स्प्रिंग वो लगा दी। देखिए भाई साहब, तो जो गियर है वो कहीं ना कहीं इसके से हार्ड हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये स्प्रिंग है इसको इंजन फिट करने से पहले हमेशा चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आपकी जो गियर बॉक्स है वो प्रॉपर ठीक बैठा है नहीं बैठा, उसका कोई हो सकता है सेलेक्टर डैमेज ना हो, जैसे मेरे साथ इस इंजन के अंदर निकला है। और मैंने काफ़ी चीज़ें जो चेक करी है, जैसे कि इसका बुश जाम था बहुत ज़्यादा। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ आप लोगों तक, ताकि आप लोग भी तैयार रहें इन सारी प्रॉब्लमों के लिए, क्योंकि ये कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इंजन फिट करने से पहले जितना हो सकता है उतना अच्छे से पूरे गियर बॉक्स को चेक कर लें, बुश वगैरह और शाफ्ट वगैरह और गियर वगैरह सब चेक करें। सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।